शांति। आज 23 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पाठधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पाठ और किसी का भी नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। आज की मुरली में यही फीलिंग बाबा ने दी है, जैसे बाबा कोई शिक्षाएं या सावधानियां नहीं दे रहे हैं, लेकिन सन्मुख में बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है दुनिया में भी, बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। माता पिता से तो स्थूल जायदाद का वर्षा मिलता है, और टीचर से पढ़ाई के द्वारा अच्छे पद की प्राप्ति का वर्षा मिलता है, और गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहां तो एक से ही तीनों मिलते हैं, तीनों वर्षा एक से ही मिलते हैं। खुशी भी होती है जब तीनों से इतना बेहद का वर्षा प्राप्त हो, तो खुशी भी होती है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, स्थूल वृक्ष के बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य। इनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग को बाबा ने कहा रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी। बाबा कहे यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच यह विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ऊंचे ते ऊंचे भारत में राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसको भी पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए।
उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से। यह भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नर्कवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। गर्भ में ही अंजाम करते हैं कि फिर पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहां गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहां रावण राज्य में पाप होता है तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, रावण को जलाते हैं तो जलने वाली चीज तो फिर सदाकाल के लिए खत्म हो जाती है। फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा क्या, अर्थात वर्ष वर्ष जलाने से फायदा क्या। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहां दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते बर्थ कम हो, बर्थ कंट्रोल हो, जिनको एक दो बच्चा होगा वह थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतना कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना, यह तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूं सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहां 9 लाख होंगे। छू मंतर हुआ ना, इतने करोड़ों से 9 लाख होंगे तो छू मंतर हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं
वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ, इस तरफ दो भाई भाई है, भारत में भाई भाई है। जो अभी कलयुग में भाई भाई है, तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे, आत्मा असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वह इनाम लेते हैं। नेचुरल है, जो रेस में फर्स्ट आएगा उनको इनाम मिलता है। तुम्हारी है याद की दौड़, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। यह यात्रा और कोई सिखला ना सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता है, वहां दरकार ही नहीं। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को यह ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चे। बाबा कहे हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ न सके। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कोई भागंती हो जाते हैं। बाबा कहे यह अलंकार तुम्हें नहीं दे सकते हैं जो विष्णु को दिया जाता है, क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे, पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। अभी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्र में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सभी का प्यारा है, उनके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। ये वास्तव में है ज्ञान की बात, ये ज्ञान की मुरली है। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्म बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, यह भी तुम जानते हो। यह महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। फिर बाबा को खांसी आई तो बाबा कहे ये किसको होती है, ये खांसी किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? तो किसी ने कहा ब्रह्मा को। तो बाबा कहे ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। ब्रह्मा बाबा का अपना कर्म भोग है, ये अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर
फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सत्युग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो, बाबा कहे सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सन्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है, जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो उच्च पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव पड़ने भी नहीं देते हैं। ब्रह्मा बाबा कभी किसी को पांव पड़ने नहीं देते थे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंस सर्वेंट हूं, मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति मार्ग में कहते हे राम, बाप कहते हैं यहां कोई आवाज नहीं करना है, साइलेंस में बैठना है, अपने को आत्म समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव ये भी नहीं कहना है, बाबा कहे कई लोग हे शिव ये भी नहीं कहना है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि यह हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है, इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है, माला अंदर फेरा या बाहर फेरा बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्म समझ बाप को याद करना। पश्य बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए, इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर अलौकिक, वह लौकिक वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। यह किसको पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूं फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है, अब शंकर तो है सूक्ष्म वतन वासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं, मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है, खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सत्युग में होता है, कलयुग में रावण राज्य, राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, शिव जयंती नहीं मनाते। बाबा कहे शिव जयंती भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं।
अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहां तुम सन्मुख बैठे हो, भासना आती है हम बेहद बाप के सन्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुल भूषण भी है, मम्मा बाबा भी है, बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, सतगुरु के रूप में साथ में ले जाएंगे। वह गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वह फॉलोअर्स भी है नहीं, वह सन्यासी व गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएगी। बाबा कहते हैं माम एकम, याद करो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। यह बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्म का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्म समझ अंदर में बाप को याद करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संकल्प टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान वरदार। आज का स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube,
Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.